नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं पोल पट्टी। आज आपको बताएंगे हाई वोल्टेज ड्रामा जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। दौद के नागवा गांव में अपहरण हुई दुल्हन का मामला लगातार तोल पकड़ता जा रहा है। जहां पहले राजपूत समाज ने आंदोलन किया था, वहीं अब दूसरी ओर लड़के के जाट समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। दौद के नागवा गांव से अपहरण हुई दुल्हन का मामला लगातार तोल पकड़ता जा रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच को मांग को लेकर जाट समुदाय के आह्वान पर आज सीकर के तमाम बाजार बंद हैं। एसपी अमनदीप सिंह कपूर सहित आला अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं कलेक्टर एसपी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये सुरक्षा जाट समाज के कलेक्टर और एसपी के बंगले के घेराव की चेतावनी के बाद दी गई है। इसके लिए जयपुर से पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया है। इसके साथ ही समाज के लोग जाट बाजार में सभा कर रहे हैं। जाट के समाज के विभिन्न प्रवक्ता संबोधित कर रहे हैं। आरएसएस सहित सुरक्षा बल के पूरे सीकर में तैनात किया गया है। ऐसे में फिलहाल सीकर बंद शांतिपूर्ण चल रहा है। इससे पहले आज सुबह बंद के समर्थक बाजार में सड़कों पर सीकर बंद के लिए निकले। हालांकि सीकर पूर्ण रूप से बंद था। इससे पहले बुधवार को मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर जाट समुदाय ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा तो वो जबरन कलेक्ट्रेट में घुस गए और फिर उसके बाद सड़क मार्ग में जाम करते हुए समाज के लोग धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जाँच को एकतरफा बताया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जाँच अधिकारी दुल्हन पक्ष ले रहे हैं, जिससे आरोपी अंकित के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में जांच अधिकारी को बदला जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। बता दें कि नागवा गांव में 16 अप्रैल को शादी के बाद विदाई के दौरान दुल्हन को अगवा करने का मामला सामने आया था, जिससे आरोपी अंकित को दुल्हन के साथ देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं करी जाएगी, इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी मांगे हैं कि कानून की नजर में हर आदमी सम्मान होना चाहिए, चाहे वो विधायक है चाहे मामूली इंसान। अगर विधायक ने अपराध कराया है तो उस पर भी मामला दर्ज करो। नागवा गांव से दुल्हन मामले में जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदलने सहित विभिन्न मांगों को आखिरकार मान लिया गया है। आईजी एस सेंगाथिर ने जांच अधिकारी को बदलने की घोषणा की है। अब इस प्रकार की पूरी जांच एसपी देवेंद्र करेंगे। इस प्रकरण में वही अब आगे की कार्रवाई करेंगे। घोषणा के बाद जाट बाजार से बंद समर्थकों का धरना समाप्त हो गया है। बता दें कि जांच अधिकारी बदलने और निष्पक्ष जांच के लिए वीर तेजा सेना सहित विभिन्न संगठनों ने आज सीकर बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद सुबह से जाट बाजार में चल रही सभा बहुत तुल पकड़ती जा रही थी। दोपहर बाद आईजी सभा स्थल पहुंचे और जांच अधिकारी बदलने की घोषणा की, जिसके बाद धरना हटा लिया गया है। आज शाम तक इंटरनेट सेवाएं बंद रही। बंद सीकर बंद के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर था। शहर के जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाब्ता तैनात था, वह इंटरनेट सेवाएं भी शाम 5 बजे तक रोक लगाई हुई थी। अभी भी इंटरनेट सेवाएं लगातार जाम हैं, ठप हैं और रात को 11 बजे तक अस्थायी रूप से बंद किया गया है।